तेरे चेहरे का है रब से ऐसा पाया कि देखा तेनू पहली बार वे तकता रह गया है। दिल का करार खोया चल भी तो यार खोया हाय मेरी जान तेनू हीरी बनाया हो। दिल का करार खोया चल भी तो यार खोया हाय मेरी जान। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दैट्स फिल्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप लेकर आया हूँ एक और न्यू वीडियो जिसमें हम स्पेशल बर्थडे स्टेटस वीडियो बनाना सीखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए यदि आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, यह वीडियो हम काइन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको काइन मास्टर को ओपन करना है, ऊपर क्लिक करना है, 9:16 रेशियो आपको ले लेना है। फिर आपको अपने फोटोज ले लेने हैं, लगभग 10 फोटोज ले लेने हैं आपको, जिनसे भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं। इसके बाद गाइज आपको पेन एंड जूम में जाना है एंड सभी फोटोज का आपको स्टार्ट और एंड को ऐड कर देना है। गाइज सभी फोटोज का आपको ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पर प्लस वाले आइकन दिख रहा है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लाइन वॉकर वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है एंड इसमें सेकंड नंबर वाला जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट है आपको उसे ऐड कर देना है। सभी फोटोज़ में आपको ऐड कर देना है एंड इसकी ड्यूरेशन आपको 30 सेकंड कर लेनी है एंड इस वाले वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। गाइज यहाँ पर क्लिक करना है आपको कॉर्नर में, तो ये मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है गाइज। एंड इसके बाद गाइज आपको बैक आना है, बैक आने के बाद गाइज आपको लेना है न्यू प्रोजेक्ट। गाइज आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, क्रिएट पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको 9:16 रेशियो आपको ले लेना है। इसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किया है वह वाला वीडियो आपको ले लेना है। इसके बाद गाइज आपको पेन एंड जूम में जाना है एंड इसे इक्वल कर देना है। गाइज इतना करने के बाद गाइज आपको इसे सेलेक्ट करना है एंड आपको नीचे जाना है एंड आपको विग्नेट वाला ऑप्शन इनेबल कर देना है। गाइज फिर आपको लेयर में जाना है एंड इफेक्ट में जाना है। इसके बाद आपको ये ब्लर वाला इफेक्ट ले लेना है एंड इस वाली लेयर को आपको वीडियो के एंड तक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको इसको फुल स्क्रीन कर देना है एंड इसके बाद आपको फिर से लेयर में जाना है एंड यह वाला टेम्पलेट आपको ले लेना है मीडिया में जाकर, इसको फुल स्क्रीन कर देना है स्प्लिट स्क्रीन में जाकर एंड आपको नीचे की ओर जाना है एंड ब्लेंडिंग में आपको स्क्रीन ले लेना है। इसके बाद गाइज आपको फिर से जाना है लेयर में, लेयर में जाने के बाद गाइज आपको जाना है हैंड राइटिंग में। यहाँ पर आपको यह वाला कलर लेना है और यह साइज लेकर आपको इस तरह से यहाँ पर ड्रा कर देना है। इस वाली लेयर को वीडियो के एंड तक कर देना है गाइज आपको, ये मैंने एंड तक कर दिया है। इसके बाद गाइज इसको यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल बीच में आपको सेट करना है, मिड में आपको सेट कर देना है गाइज। इसके बाद गाइज आपको इस वाली लेयर को सेलेक्ट करना है एंड 3 डॉट्स पर क्लिक करना है एंड इसका डुप्लीकेट ले लेना है गाइज। डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद गाइज आपको इसको सेलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड कर देना है एंड इसको इसमें सेट कर देना है इस वाले फ्रेम में। इसके बाद गाइज आपको फिर से लेयर में जाना है एंड टेक्स्ट में जाना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है you are 1 in billion। इस तरह से आपको गाइज यहाँ पर टाइप कर देना है, you are 1 in इतना टाइप करना है एंड फॉन्ट चेंज करना है और इसको यहाँ पर आपको सेट कर देना है। यहाँ पर सेट करने के बाद गाइज आपको इसका साइज सेट करके और इस वाले लेयर को वीडियो के एंड तक आपको कर देना है। इसके बाद गाइज आपको फिर से जाना है लेयर में, लेयर में आपको फिर से टेक्स्ट में जाना है एंड यहाँ पर एंड टाइप करना है। इस तरह से ओके पर क्लिक करना है एंड इसका फॉन्ट आपको चेंज कर देना है गाइज, जो भी आपको अच्छा लगे वह वाला फॉन्ट आपको ले लेना है एंड इस वाले का साइज बड़ा करके टेक्स्ट का एंड आपको यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर आपको सेट कर देना है गाइज, यहाँ पर सेट कर देना है। इसके बाद गाइज आपको फिर से जाना है टेक्स्ट में, लेयर में जाना है एंड टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है कीप स्माइलिंग, इस तरह से टाइप करना है, एक वन बाई एक के नीचे एक लेटर आपको टाइप करना है। तो मैंने टाइप कर दिया है एंड आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज इसको इस छोटे साइज में यहाँ पर आपको सेट कर देना है। यहाँ पर सेट करने के बाद गाइज आपको फिर से यहाँ पर जाना है लेयर में,
लेयर में जाने के बाद आपको स्टिकर में जाना है एंड आपको लाइट वाला स्टिकर वीडियो ले लेना है एंड ये वाला आपको ले लेना है और इस वाले लेयर को आपको एंड तक कर देना है गाइज। एंड इसको गाइज आपको यहाँ पर सेट कर देना है ऊपर की ओर, यहाँ पर आपको सेट कर देना है। इसके बाद गाइज आपको फिर से जाना है लेयर में एंड आपको जाना है टेक्स्ट में एंड यहाँ पर गाइज आपको नेम टाइप कर देना है जो भी आपका नेम है एंड आपको ओके पर क्लिक करना है और आपको इसका फॉन्ट चेंज कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगे और इसका साइज़ बड़ा करके थोड़ा, और आपको यहाँ पर इस जगह पर इस वाले कॉर्नर में आपको इसे सेट कर देना है अपने नेम को। तो मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया है गाइज, आपको अच्छे से सेट कर देना है गाइज। इसके बाद सभी वाले सभी लेयर को आपको वीडियो के एंड तक कर देना है, सभी लेयर को आपको इस वाले टेक्स्ट वाले लेयर को भी वीडियो के एंड तक कर देना है। इसके बाद गाइज हमारा वीडियो इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है एंड आप चाहें तो इसमें दूसरा सॉन्ग ऐड कर सकते हैं एंड इसे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है गाइज़।